हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमेशा हम आपके लिए कंटेंट लेकर के आते रहते हैं फ्रेंड, तो वैसे ही आज एक कंटेंट और है। ये कंटेंट नहीं, एक आपको एशिया टेलीकॉम की तरफ से ही एक अपडेट है जो कि मैं आपको यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो फुल कोर्स है, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस MMC। तो जितने भी हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC के स्टूडेंट हैं, तो खासकर उनके लिए एक अपडेट है जो कि हम अभी दे रहे हैं सभी स्टूडेंट को। तो जैसा कि हार्डवेयर का सेक्शन हुआ, जैसा कि सॉफ्टवेयर का हुआ, जैसा कि MMC का हुआ, तो सारी हमारी टीम जो है वो काम कर रही है इस पे। और यही वीडियो जो अपडेट की, आज का जो हमारा है वो टॉपिक वो अपडेट के रूप में है। तो जो हम आपको देना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी सॉफ्टवेयर का अपडेट दिया हुआ है अपने स्टूडेंट को। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, छोटी सी क्लिप है। और एक अपडेट और बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं 2 मिनट आपका टाइम और लूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस MMC, मतलब जिस भी स्टूडेंट ने फुल कोर्स कराया हुआ है, वो क्या करना है, वो हमारे अभी जो बैच चल रहा है, जैसे भी कोरोना चल रहा है, वैसे ही जैसे ही स्टे होगा, जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ होगा, वैसे ही हम अपने पुराने वाले स्टूडेंट को बुलाएंगे उसके अपडेट के लिए। तो अपडेट के लिए आप हमारे MD सर को कॉल करेंगे और अपना सीट बुक कराएंगे। और केवल आपको जो लगना है यहाँ पे, केवल और केवल रहने का पैसा लगेगा और खाने का पैसा लगेगा, अदरवाइज किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा। उसमें आपको अपडेट कराया जाएगा। आपको यहाँ पे कॉल करिए, MD सर का नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप MD सर को कॉल करिए और अपनी सीट बुक कराइए। जब जैसे ही ये लॉकडाउन थोड़ा सा डिले होता है, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा सही होता है, वैसे ही हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये हमारे पुराने स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट हमें कॉल करेंगे जिन्होंने फुल कोर्स किया हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस MMC जो किया हुआ है, वो स्टूडेंट हमें MD सर को कॉल करके अपनी सीट बुक कराएंगे और अपडेट के लिए जरूर आएं। उसमें आपको UFI भी आप लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको UFI का भी UFS का भी आपको अपडेट मिलेगा, चाहे वो EasyJTEC हो। अगर UFI का अपडेट आ जाता है तो UFI का होगा, नहीं तो UFS चिप के ऊपर अपडेट आपको दिया जाएगा फ्रेंड, तो आप आएंगे। और दूसरी बात, अपने आप फॉल्टी फोन लेकर के आइए जो कि केवल आपसे ही रिपेयर कराया जाएगा। जितने भी आपके पास फॉल्टी फोन हैं, आप ले आइए हमारे इंस्टीट्यूट में, खुद से आप अपडेट होंगे और खुद से वो काम आप करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे स्टूडेंट के लिए एक अपडेट वीडियो था एशिया टेलीकॉम की टीम की तरफ से। तो जो हमने आज सॉफ्टवेयर की क्लास दी है, वो मैं अपडेट आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ऐसे ही हम अपडेट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम एशिया टेलीकॉम की टीम अपडेट कर रही है, हार्डवेयर देव सर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मैं कर रहा हूँ और MMC मिलन सर हमारे कर रहे हैं। ऐसे हमारी पूरी टीम एक अपडेट के रूप में अपडेट दे रही है। दूसरी चीज़, आप हमारा एडमिशन ओपन है। अगर आप न्यू आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे ऐसे टेलीकॉम का नंबर जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पुराने स्टूडेंट का बैक सपोर्ट सिस्टम जो कि हम बोलते हैं हमेशा लाइव सपोर्ट सिस्टम, उसी सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आज हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। और ये कि ऐसा टेलीकॉम की तरफ से अपडेट रहा, तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा कि जो हम सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रहे हैं, जो भी हार्डवेयर में अपडेट कर रहे हैं, जो भी MMC में अपडेट कर रहे हैं, आपको ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, तो मैं जो अपडेट देने वाला हूँ वो सैमसंग के ऊपर अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। जो आप उसकी FRP कैसे हटा सकते हो, क्योंकि चलो तो स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। तो जो देखो, सैमसंग के काफी मैंने वीडियो डाले भी हैं और आप लोग जो कर भी रहे हैं, तो सैमसंग FRP बहुत इजी हो चुकी है अभी के डेट में, समझ में आ रहा है। तो सैमसंग FRP और कंट्री अनलॉक में बताऊंगा कि कंट्री अनलॉक भी आप किसी इजी तरीके में आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो ये तुम्हारा मैग्मा टूल है जिसमें बहुत ही इजी तरीके से हम किसी भी सैमसंग की FRP, जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट फोन है ना, इसकी FRP बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्टर्ड करना है आपको, समझ में आ रहा है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको रजिस्टर्ड करना है, और यहाँ पे देख सकते हो कि क्रेडिट ये 25, मतलब इसकी जो कॉस्ट है FRP की, ये केवल और केवल पड़ेगी आपको 25 रुपए की। मतलब जो बाहर से कराते हो 100 रुपए या 50 रुपए जो भी लगते हैं, यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से आपका केवल, देखो मैंने यहाँ पे कर लिया है, करीब 3 फोन किया हुआ है, तो 25 0.25 क्रेडिट कट रहा है। मतलब एक एक क्रेडिट में 4 फोन होंगे अनलॉक, समझ में आ रहा है।
अब 10 स्टेट ले लेते हो तो उसमें 40 आपका हो जाएगा, मतलब कि जो कॉस्ट पड़ने वाला है वो कॉस्ट पड़ेगा आपका केवल 25 रुपए। तो सैमसंग का बहुत बड़ा अपडेट है, जो क्योंकि जो आप बाहर से कराते हैं जो भी है, ये मैग्मा टूल, इसमें करना क्या है सबसे पहले फिर से सुन लो। इसमें क्या करना है आपको, Gmail ID, एक अपनी Gmail ID और पासवर्ड डाल करके सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिंग है इसलिए यहाँ पे लॉगिंग हो चुका है, समझ में आ रहा है। तो काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे, और जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल सैमसंग के लिए कोई सा भी फोन होगा MTP, और ये जो काम करेगा ना ये केवल फोन को चालू मोड में कनेक्ट करना है, ठीक है, MTP मोड पे काम करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी अलग से ड्राइवर नहीं डालने हैं इसको, आपको चालू मोड में फोन को, जैसे FRPA कंडीशन में होता है ना, केवल और केवल FRP मोड में आपको फोन को कनेक्ट करना है MTP मोड पे, और इजीली तरीके से अनलॉक हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसकी क्रेडिट के लिए आप ग्रुप में मैसेज कर देना या मुझे मैसेज कर देना, तो इसकी मैं क्रेडिट दिलवा दूंगा, समझ में आ रहा है। या जहां से भी आपको लेना होगा मैग्मा टूल के सर्वर से भी इसकी क्रेडिट परचेस कर सकते हो। मिनिमम 10 क्रेडिट भी ले लोगे तो बहुत ही इजी तरीके से 40 फोन अनलॉक कर सकते हो, समझ में आ रहा है। इसी का जो एक टूल है, इसी का टूल एक और है जो कि मैग्मा टूल, इसमें तुम्हारा कंट्री अनलॉक, और ये जो क्रेडिट है सारा क्रेडिट एक जैसे ही काम करता है। इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ फटाक से, और अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्री अनलॉक बता देता हूँ। बहुत ही इजी तरीके से इसकी कंट्री अनलॉक भी कर सकते हो। और सोहेल कैसे हो, काफी दिन बाद सारे स्टूडेंट, ऐसा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं अभी, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। बस मैं देख नहीं पा रहा हूँ सबको, बट ये है कि ये देखो, ये जो टूल है ये मैग्मा का ही टूल है, इसमें अलग से कोई भी क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई भी लॉगिंग रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। इसमें अलग से कोई भी लॉगिंग और पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं है, इसमें करना क्या है वही लॉगिंग आईडी डाल देना है और यहाँ पे तुम्हारा लॉगिंग हो जाएगा, जिसमें कंट्री अनलॉक बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। ये देखो लिखा हुआ है नेटवर्क अनलॉक ADB मोड पे, मतलब तो फोन तो चालू ही रहेगा, उसका USB डिबगिंग ऑन कर देना और फोन को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से आपका देखो क्रेडिट कटेगा, कि जितने फोन होंगे ना, जो भी फोन होगा सैमसंग A20 जो भी लेटेस्ट फोन है, ये देखो यहाँ पे S10, A20, A50, A50 का 12 क्रेडिट लगेगा, समझ में आ रहा है, मतलब करीब 1200 रुपये करीब कटेगा इनका, 12 क्रेडिट लगेगा यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा है जो कि 100% वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था पहले, और ये वर्केबल है। ये देख सकते हो सारे मॉडल हैं जिसमें तुम बहुत ही इजी तरीके से कंट्री अनलॉक कर सकते हो। तो एक अपडेट ये हुआ, और सैम की के बारे में पता ही है तो मैं सैम की भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सैम की है जो कि सैम की के भी बारे में पता ही है, पर यहाँ पे भी कंट्री अनलॉक बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो सैम की से। पर मेरे हिसाब से सैम की से ज्यादा बेस्ट है ये मैग्मा टूल है, ठीक है। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएगा, ये सैम की का इंटरफेस है, इसमें भी क्या करना होगा, इसमें लॉगिंग आईडी लेना होगा। लॉगिंग आईडी लेने के बाद सीधा रीड इन्फो करोगे तो किसी भी फोन का रीड इन्फो हो जाएगा, और ये काम करेगा आपका ADB मोड पे, ठीक है, ADB इंटरफेस पे काम करेगा। जो भी कंट्री अनलॉक करोगे वो करेगा आपका ADB इंटरफेस पे, ठीक है। तो इसमें सीधा और सीधा रीड कोड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ तुम्हारा जो कंट्री अनलॉक का कोड होगा यहाँ पे इससे कोड आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो बेस्ट, सबसे बेस्ट आपका ये मैग्मा टूल है, जो कि इसमें दो चीज आपको मिल जाती है, एक FRP मिल जाता है और एक आपका कंट्री अनलॉक मिल जाता है, समझ में आ रहा है। ये फाइनली सेटअप बताएंगे कि कैसे आप उसको यूज करना है, ठीक है। तो आज का जो अपडेट था हमारा केवल सैमसंग FRP के ऊपर था, तो इसलिए मैंने रिकनेक्ट किया अभी आप लोगों को, कि यही फाइनली मैं बता दूं, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो उसके लिए आपको MRT के ऊपर, अभी किसी ने बोला था सर कि MRT के ऊपर आप मैं बता दूं, तो MRT के ऊपर प्रॉपर एक मतलब फुल वे में जितने टाइम होगा उतना टाइम में हम MRT के ऊपर फाइनली बात करेंगे। ग्रुप में प्लीज जो भी आज आपने क्लास लिया है, जो भी आपको समझ में आया तो प्लीज उसे शेयर करो और बताना, ठीक है।
चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर, थैंक यू, ओके।